हेलो दोस्तों, अंशुल फैमिली ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। और आज इतने दिन से ना मुझे बिरयानी खाने का मन कर रहा था और मैंने सोचा कि आज संडे है तो मैं बिरयानी बनाऊंगी और मैंने सारी प्लानिंग कर ली बिरयानी बनाने की। लेकिन तभी वंश बोला कि वो चिकन नहीं खाएगा, तो मेरी जो सारी प्लानिंग थी सब बर्बाद हो गई। क्योंकि अगर वो नहीं खाएगा तो बना के फ़ायदा ही क्या। मेरा बहुत बहुत ज़्यादा मन था बिरयानी खाने का। मेरा बड़ा बेटा तो बोला कि मम्मी बना लो, मैं खा लूँगा, कोई बात नहीं। लेकिन छोटू नहीं खा रहा ना, पता नहीं क्यों छोड़ दिया है इसने। अच्छा खासा खाता था मेरा गुड्डा और अब उसने खाना बंद कर दिया है, तो बन भी नहीं सकता। जब तक वो नहीं खाएगा तब तक कैसे बनाऊंगी मैं। और फिर बड़े बेटे ने बोला कोई बात नहीं मम्मी, अब चिकन नहीं डाल सकती उसमें, तो क्या हो गया, अब एग डाल दो उसमें। तो ये देखिए मैं एग लेके आई हूँ, ये अब मैं एग बिरयानी बनाऊंगी। एग बिरयानी तो बिरयानी फिरयानी तो कहीं नहीं बनेगी, ये पीले चावल बन जाएंगे अंडे फंडे डाल के। पर ठीक है, थोड़ी बहुत कोशिश करूँगी कि बन जाए ये, वो वाली बात तो नहीं होगी, लेकिन फिर भी थोड़ा मन को संतुष्टि तो हो जाएगी। और एक काम, ये देखिए मैंने अपने भाइयों के लिए रखा था, ये मैंने आपको दिखाया था, इसे खुलवाऊंगी, गिलास खुलवाऊंगी, सब खुलवाऊंगी। और सारे इतनी जल्दी जल्दी आए और जल्दी जल्दी चले भी गए बर्थडे मना के। और फिर ये मेरा काम ये रह गया, मैं भूल गई और वो भी भूल गए, उनको भी याद नहीं रहा। अब मैं उनको बोलूंगी तो कहेंगे तुम आपने क्या बताया था, तो मैं उनको बताना ही भूल गई, मेरा ये काम यही रह गया, ना ये गिलास निकल रहे ना ये मग खुल रहा है मेरे से। अभी एक पार्सल आया, मैं आपको एक पार्सल दिखाती हूँ वंश के लिए, सरप्राइज। ये देखिए दोस्तों, इनको गिफ्ट मिला है, अभी ये गिफ्ट आया है इनका, हमने रिसीव किया है। आंश किसने भेजा है? तो भैया आपकी फेवरेट चीज़ भेजेंगे, ये स्कूल वाला गिफ्ट थोड़ी ना। एक्चुअली दोस्तों उस दिन मेरे बच्चों ने गिफ्ट खोला था ना, बड़ी खुशी खुशी, और निकली थी उसमें बेडशीट, इसलिए उसने पहले ही बोल दिया। आप ऐसे पैर क्यों कर रहे हैं, नीचे करो इसको, चलो पागल है, बेडशीट नहीं होगी उसमें। चलो खोल के दिखाओ दोस्तों को क्या है इसके अंदर, और जल्दी जल्दी खोला, इधर रखो टेबल पे, टेबल पे रखो, ऐसे नहीं खोलते, इधर रखो टेबल पे। हाँ वंश हटो आगे से, मुझे दिखेगा तो फिर संभाल के, कुछ प्रॉब्लम होती है तो रिटर्न भी करना पड़ता है बेटा। चलो हटो, मैं खड़ी हो जाती हूँ, वंश हटना जरा, देखो कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी उसमें, सही गिफ्ट निकलेगा। कई बार ना कुछ मंगाओ और कुछ आ जाता है, भाई जल्दी खोलो। ओहो क्या हो वंश, क्या हो आप, वंश आप क्या हो, क्या निकलेगी हाँ, अगर इसमें कार निकलेगी ना तो इसको रख देना इसी में चुपचाप पैक करके, एग्जाम के बाद खेलना। नहीं नहीं, क्या होता है खुलता नहीं, खुल रहा, मैं हेल्प करूं, प्लीज आऊं हेल्प करने, हाँ। नहीं खुल रहा, चलिए दोस्तों मैं खोलती हूँ, उनसे नहीं खुल रहा। मैं भी एक्साइटेड, सो एक्साइटेड वेरी। आपको लव करते हैं निकू भैया? हाँ, इसीलिए तो भेजा आपको है? जब आपकी जॉब लग जाएगी, आप बड़े हो जाओगे, आपकी जॉब लग जाएगी तो आप उनके लिए गिफ्ट लाया करोगे? हाँ निकली फिर से बेडशीट, खजाना। ये देखिए दोस्तों इसके अंदर है कार, और वो भी ऐसी वैसी नहीं, लैम्बोर्गिनी, मेरी फेवरेट कलर की। और मुझे देना है, ये आपका फेवरेट कलर है, आपने बताया क्या भैया को? नहीं, फिर उनको कैसे पता चला आपका फेवरेट कलर? मुझे सबको पता है, चलो आपका खुल गया, आप देखो अपना लव। ये रहा दोस्तों इनका गिफ्ट, हैप्पी हैप्पी, सुपर कार मिल गई, अच्छा यहां पे बुगाटी भी मिलती है। है? अच्छा हाँ, भैया को पता चल गया, चार बैठने से निकलती हैं। हाँ भैया को पता चल गया ना आपको क्या पसंद है, ये जरूर आपने बताया होगा उनको कभी, है ना? नहीं, बर्थडे वाले दिन वो दिखा रहे थे। अच्छा दिखा नहीं रहे तो आपको पसंद करा रहे थे बुद्धू, और आपने इसको यस बोला होगा तो उन्होंने बुक करा दी। ये 6+ है। चलो थैंक यू बोलो भैया, ये 6+ है, वो जिससे ओके, थैंक यू बोलो भैया को, तेरे सर हाँ खेल सकता है, मेरा वन सब हो जाएगा, 6+ का हो जाएगा अभी, रुक जाओ नहीं मुझे खेलना है, बस 6 का होगा। हाँ अभी एग्जाम है ना, अभी इसको रख दो, अभी एग्जाम हो जाएंगे उसके बाद, नहीं एक बार भी नहीं, आधा बार भी नहीं, रख दो उसको, अरे नहीं बेटा नहीं, खराब हो जाएगी, रखो उसको अभी नहीं, ओके मम्मा
बिरयानी नहीं बिरयानी। वंशु खा लो बेटा चिकन तो हमारी अच्छी बिरयानी बन जाएगी। मम्मा आपको पता है मैं शाम की पैर हो गई, मैं नहीं खाता बिरयानी अब। बताऊं अभी? अच्छा एग बिरयानी तो खा लोगे ना, एग डालो। नहीं, 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 नहीं। फिर क्या आलू डालूं? पीले चावल बना दो क्या? बिरयानी मैं कहाँ मजाक कर रही हूँ, आप ही हमारी बिरयानी बर्बाद कर रहे हो। ना एग डालने दे रहे हो ना चिकन डालने दे रहे हो। मुझे नहीं खानी, ये गंदा बच्चा बन गया दोस्तों। पहले थैंक यू बोल दो भैया को। हाँ, और मैं जा रही हूँ अब खाना बनाने के लिए, मतलब एग बिरयानी। अब वंश को पकड़ के खिलाएंगे, ठीक है? हाँ रख दो इसको। वंश को पकड़ के, हाथ पकड़ के खिलाएंगे दोस्तों इसको। आ गई मैं अपनी एग बिरयानी बनाने के लिए। अब मैं चिकन की जगह एग बिरयानी बना रही हूँ। तो मैंने कढ़ाई में राइस डाल दिए, जितने राइस मुझे चाहिए थे मैंने उतने राइस डाल दिए हैं। पानी डाल दिया, अब थोड़ा सा ना इसके अंदर सॉल्ट डालूंगी मैं, थोड़ा सा ही डालूंगी, ज़्यादा नहीं डालूंगी ये। और हल्का सा इसके अंदर ऑयल डालूंगी, जो मैं ऑयल यूज़ करती हूँ, मैं सरसों का ऑयल ही यूज़ करती हूँ। ये थोड़ा सा डाल दिया, अब मैं इसको ढक दूंगी, अब ये उबलते रहेंगे। और इधर मैंने रख दिए अपने एग, एग के अंदर मैं थोड़ा सा सॉल्ट डाल दूंगी जिससे कि ये फटेंगे नहीं ये। और इसकी गैस को थोड़ा सा ना मैं कम कर दूंगी स्टार्टिंग में, नहीं तो ये फट जाते हैं जल्दी जल्दी होके, इस वजह से। अब मैं इसको भी ना बंद कर दूंगी। दोनों एक साथ रख दिए, अगर मैं चिकन डालती ना तो राइस थोड़ी देर बाद रखती, जब मैं चिकन का मसाला वसाला कर लेती चिकन डाल देती फिर राइस रखती। लेकिन क्योंकि अभी ये एग ही पड़ रहे हैं तो एग तो फटाफट बन जाएंगे, क्योंकि मसाला हुआ एग डाले और राइस डाले, इसलिए मुझे दोनों साथ में ही चाहिए होंगे, इस वजह से मैंने दोनों साथ में रख दिए। अब ये दोनों जब तक उबल जाएंगे, चावल उबल जाएंगे और अंडे उबल जाएंगे, तो उसके बाद मैं इनको अंडों को छील लूँगी, उनके छिलके निकाल दूँगी। और तब तक ये उबल रहे हैं तब तक मैं अपना मसाला तैयार करूँगी। यहाँ पे मेरे मसाले तैयार हो गए, ये प्याज टमाटर इसका पेस्ट बना लिया, और ये वाले जो अनियन है ना इनको मैं फ्राई करके ना पहले निकाल लूँगी इनको, क्योंकि जब बन जाएगी मेरी एग बिरयानी तो ऊपर से डालूँगी मैं इस फ्राई अनियन को और किशमिश को, इनको ना ऊपर से डालूँगी, इस वजह से पहले मैं इन्हें फ्राई करूँगी, उसके बाद ये पेस्ट डालूँगी और फिर उसके अंदर ये सारे मसाले डालूँगी। ये सारे मसाले मैं उसके अंदर डालूँगी, ये बिरयानी मसाला है। मैंने सारी तैयारी करके रखी थी कि मैं अपनी अच्छी खासी बिरयानी बनाऊंगी इस बार, लेकिन हमारे छोटू ने साफ मना कर दिया, इस वजह से एग बिरयानी बना रही हूँ। वैसे तो उसने एग के लिए भी मना किया है, लेकिन एक्चुअली अगर इसमें मैंने चिकन डाल दूंगी तो वो चावल भी नहीं खाएगा, और एग डाल दिए तो चावल तो वो खैर खा ही लेगा, लेकिन हो सकता है कि थोड़ा बोलूँ या थोड़ा डांट दूँ तो वो एग खा ले, लेकिन अगर चिकन डाल दूंगी तो इसके राइस भी वो टच नहीं करेगा, इस वजह से मैं एग उसके लिए भी डाल रही हूँ। ये मेरे राइस ये पक गए हैं, हल्के से छोड़ दिए मैंने क्योंकि उधर भी पकेंगे, लेकिन अगर चिकन होता तो मैं उससे थोड़ा कम पकाती, लेकिन क्योंकि आगे इस वजह से मैंने ज़्यादा पका दिया। और ये मेरे अंडे भी तैयार हो गए और ये मेरे राइस तैयार हो गए। अब इसको मैं एक थाली में निकाल लूँगी और उसका सारा पानी ना फेंक दूँगी। ये मैंने अपनी दोनों कढ़ाइयाँ चढ़ा दी, एक में इसमें मैंने मसाला बनाने के लिए तेल डाल दिया और इसमें ना ये प्याज फ्राई करने के लिए तेल डाल दिया, दोनों एक साथ हो जाएंगे। अब मैं इसके अंदर पहले प्याज को डाल दूँगी, सारा प्याज ना गोल्डन कलर का हो जाएगा, मैं इसको निकाल के ना रखूँगी, इससे होता रहेगा आराम से, जब ये गोल्डन कलर का हो जाएगा ना फिर मैं इसको निकाल दूँगी बाहर। और अब मैं इसके अंदर डालूँगी पहले तो अपने खड़े मसाले, ये हो जाएंगे, फिर इसके बाद डालूँगी मैं अपना पेस्ट अनियन का, और जब ये अच्छे से फ्राई हो जाएगा फिर इसमें डालूंगी ये टमाटर का पेस्ट सारा इसके अंदर चला गया। ये सारा अब ये अच्छे से गोल्डन कलर का ये हो जाएगा, जब ये गोल्डन कलर का हो जाएगा ना तब इसके अंदर मैं मसाले डालूंगी, अपना टमाटर डालूंगी, सब कुछ डालूंगी, और जब ये गोल्डन कलर का होगा तो इसको निकाल लूँगी बाहर, फिर इसे और किशमिश को उसके ऊपर, ये देखिए अब ये फ्राई हो जाता है, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये मेरा सारा अनियन फ्राई हो गया अच्छे से, ये गोल्डन कलर का हो गया अच्छे से। अब इसके अंदर मैं डालूँगी सबसे पहले मसाले, सारे मसाले इसके अंदर, और
टमाटर का पेस्ट। थोड़ा सा पानी ऐड कर दूंगी मैं इसमें, इसे की हो जाए। अब ये अच्छे से पकेगा, अगर इसमें तेल छूट जाएगा मसाले में, उसके बाद मैं इसमें ऐड डालूंगी और फिर उसके ऊपर से राइस। माँ आप बिरयानी के लिए अंडे काट रही हो? हाँ बेटा, इसमें हल्के हल्के कट मार देंगे ना तो मसाला ना इसके अंदर चला जाएगा। ये हमारा मसाला पक रहा है ना, इन सब पे ना ऐसे ना कट लगा देंगे, है ना। ये तो प्लेट में मसाला रखा था ना, मसाला लग गया। अगर आप इस अंडे को नहीं काटते तो एक बच्चा पैदा होगा। इसलिए मुझे नहीं खाता अंडा, वैसे जबरदस्ती और ठूस ठूस के खिलाने वाली हूं। खिलाऊंगी तो, नहीं तो सब कुछ छोड़ देगा। चिकन तो उसने छोड़ दिया, अंडे भी छोड़ देगा खाना, फिर क्या खाएगा है? और जिसके चक्कर में छोड़ा है वो फिल्म देख रही है बैठ के मैडम जी। मेरा बच्चा चीजें छोड़ रहा है, मैडम जी फिल्म देखने गई है। ठीक है, ये हो गया सारा। अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे, सीख लो आप। देख मसाला हो गया ना, इसके अंदर ऐड कर दिया। अब इसको दो चार मिनट पकने दो। लेकिन अगर चिकन होता ना इसी जगह तो ज्यादा देर पकता, क्योंकि जब वो बिल्कुल पक जाता है ना तभी राइस डालते हैं उसके अंदर। लेकिन ये तो पके हुए, बस इसके अंदर ना मसाले चले जाए। ठीक है ना, है ना। देखो टू टू एग डाले, दादू के लिए, आपके लिए, मम्मा के लिए, वंशु के लिए। है वंशु नहीं खाएगा, तुम पकड़ के खिलाएंगे। अब इसके अंदर राइस डाल देंगे। ये रहे हमारे राइस। एंड डड़ा डड़ा डड़ा। मिर्च कम डाली है मैंने दोस्तों, क्योंकि मेरे फादर इन लॉ मिर्च कम खाते हैं, मेरे बच्चे भी मिर्च कम खाते हैं। मैं तो अच्छी खासी मिर्च खाती हूँ, मुझे मिर्च बहुत पसंद है। लेकिन क्योंकि अब ये दोनों नहीं खाते, सॉरी तीनों नहीं खाते। तो अब ये देखिए राइस, अगर हम ये चिकन बनाते तो कितना अच्छा लगता। अच्छी लगती ना अगर चिकन की होती तो। लेकिन हमें बंच के लिए एग की बनानी पड़ रही है दोस्तों। इसके अंदर ना ये सारे राइस डाल दूंगी थोड़ी देर के लिए, ये इसको मैं बंद कर दूंगी और फिर ये पाँच मिनट के लिए ना बिल्कुल डीम करके इसको पकने दूंगी, क्योंकि एग पड़ा है तो ज़्यादा इसे पकने की जरूरत है नहीं। और राइस भी मैंने अच्छे खासे पका लिए थे। इसके अंदर एक चीज़ मैं ऐड नहीं कर रही हूँ, वो है कलर। इसमें रेड कलर आप यूज़ कर सकते हो, और भी कलर आपको जो पसंद है आप बिरयानी में यूज़ कर सकते हो। लेकिन मैं कलर यूज़ नहीं कर रही, क्योंकि मैं घर में खाना बनाती हूँ तो कोई भी कलर यूज़ नहीं करती। हाँ जब मेहमान आते हैं ना उस तब ज़रूर मैं यूज़ करती हूँ, ताकि कलरफुल लगे ना इस वजह से। लेकिन जब बच्चों का घर में खाना होता है, घर में घर के लिए बनाती हूँ, तो मैं कोई भी कलर ऐड नहीं करती। इस वजह से मैं कोई भी कलर ऐड नहीं करूँगी। ठीक है ना, पाँच मिनट बाद मैं इसमें अपनी किशमिश और प्याज डालूंगी। मैं आपको दिखाती हूँ पाँच मिनट के बाद। मम्मा पापा आप अब क्या कर रही हो? और इसके अंदर ये अनियन डाल देंगे, ये बहुत टेस्टी लगता है पता है। मैं मसाले डाल दिए, मसाले तो नीचे गए ना सारे, ये सारा इसके अंदर डाल देंगे। अरे क्या अभी तक आपने मसाले डाले या नहीं? मसाले उसमें नहीं डाले थे मैंने, इसमें जब एग वो किए थे मसाले में। और ऊपर से डाल दूंगी किशमिश। किशमिश वाले नहीं खाने, अभी देखना कितनी टेस्टी लगेगी। मिर्च थोड़ी बहुत भी नहीं लगेगी इसकी वजह से, आप बंच को भी खाने में। ये डाल दी हमने किशमिश, रख पाँच मिनट बाद हम इसे खाएंगे। इसे ढक दूंगी मैं, ठीक है ना। बन गई हमारी बिरयानी, ये देखिए गाइस। अब इसमें थोड़ा कलर पड़ जाता ना तो कलरफुल हो जाती है, लेकिन बच्चों के बेस में कोई कलर नहीं डाल रही। हाँ अगर ये मेहमानों के लिए बनती कि किसी फंक्शन पार्टी में तो मैं इसमें कलर डाल देती, और अगर मेहमानों के लिए बनती तो जरूर इसमें चिकन पड़ा होता। वैसे आपको कलर नहीं डालना चाहिए, वो हार्मफुल होता है, इसीलिए तो नहीं डाला बेटा। लेकिन फंक्शन पार्टी में ना सबको ऐसा कलरफुल कलरफुल चाहिए होता है खाने के लिए, इस वजह से। ठीक है गाइस, मम्मी ले आई बना के हमारी बिरयानी। ये हमारी बिरयानी, ये देखिए दोस्तों, इस बच्चे की वजह से हमको ये बनानी पड़ी। मिक्स करना यार, ये येलो कैसे हो गई? येलो हो गई, येलो येलो बनी है ये, मेरा फेवरेट कलर। बच्चों कैसी है? अच्छी है? अच्छे से इसको मसालों में मिक्स कर लें। आपको
मैं मम्मा लो मैं मम्मी मुझे मैंने बोला था मुझे आज नहीं खाना था चुपचाप सीधी कर नहीं मैंने बोला था सांडा मैं चिकन नहीं खाऊंगा अंश प्लेट सीधी करते बेटा नहीं अंश एक डंडा ले अच्छा सीधी करो अच्छा एग नहीं दूंगी राइस राइस दूंगी मुझे माँ इनको क्या करना है वो चटनी है और वो अनियन है सलाद के लिए और एक एक ले ली बाबू एक नहीं 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 अंश आ जाओ आप भी लो ये देखिए हमारा अंश जा रहा है दादू को देने चल दादू को दे क्या बाबू ये गया दादू को नीचे देने के लिए बिग बिग गया दादू के लिए चलो आप खाओ गाइस अभी ये राइस खाएगा फिर इसको पकड़ के ना हम एग भी खिलवाएंगे नहीं तो ये ऐसे तो सब कुछ छोड़ देगा तो मैं नहीं खा रहा राइस भी अभी रुक जा अभी कुटे जाओगे आप बन गई दोस्तों हमारी एग बिरयानी और गाइस बहुत अच्छा बना है ये अगर आपको खाना है तो हमारे घर आ जाओ हाँ बहुत टेस्टी बनी है वैसे चिकन तो फिर चिकन ही होता है चिकन की जगह हमने एग डाल दिए पर टेस्ट बिरयानी जैसा ही आ रहा है इसके अंदर बहुत टेस्टी बनी हुई है आप खाते तो आपको पता चलता कि कितनी टेस्टी बनी हो बहुत अच्छी बनी हो गाइस हमारे घर पे आ जाओ खाने इतनी बड़ी इतना खाने को मिलेगा मुझे लगा कि अपने रेस्टोरेंट खोलने वाले अपने तरह सारा बनाए ना कुछ भी अभी खत्म हो जाएगा ये सारा चलिए दोस्तों हम मिलते हैं अगले ब्लॉग में तब तक के लिए बाय बाय।